Political activities, participant in the House. Yeah, Danish. Oh, Danish, sir. Nirra. सरकार पाने के बाद 5 अगस्त से हमारी कयादत के जो प्रेसिडेंट हैं किया गया था, उनको नजरबंद किया गया था, उसके बाद पीएसए लगाया गया जो बिल्कुल था मजम्मत के लायक था, लेकिन आज हम नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी खुशी में की लहर दौड़ी है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में कि आज ये एहसास हुआ है कि आज छोड़ दिया, उनका पीएसए हटाया गया है। आज हम लोग आज उनको मुबारकबाद देने आए हैं और उनको ज़रूर बाहर आना चाहिए और एक तर्जमानी करनी चाहिए और वो करेंगे और वो क्योंकि यहाँ के कश्मीरियों की तर्जमानी करेंगे और लोगों को ज़रूरत है हमारे कश्मीरी लीडर की जो उनकी तर्जमानी करेंगे। जी आज छोड़ा गया फारूक, आपको कितनी खुशी का? देखिए जी अभी जी अभी अभी हमें ये पता चली है कि डॉक्टर फारूक साहब को छोड़ा गया इसी पर्पज के लिए। हम यहाँ पे डॉक्टर साहब से मिलने आए हैं, तमाम यहाँ पे हमारे सूबाई सदर यूथ नेशनल जितने भी जोमा है, हमारे वुमेन्स विंग है, सारे लोग यहाँ पे जोग दर जोग आ रहे हैं अपने लीडर से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखा जाएगा कि अभी प्रशासन ने कौन सा स्टेप उठाया कि हमें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, तो उस चीज़ को हम देख के आप खुद भी यहाँ पे देखेंगे कि कैसा क्या चल रहा है। एहसान परदेसी, वाइस प्रेसिडेंट कश्मीर। जी आज फारूक अब्दुल्ला को छोड़ दिया गया, आपको कितनी खुशी का इजहार हो रहा है? बड़ी मसरत की बात है, इट्स अ लॉन्ग ड्यू, वेलकम स्टेप है। और इस वक्त रियासत में जो सियासी बहरान चल रहा है, एक सियासी वैक्यूम जो है उसको फिल करने के लिए कि हुकूमत को चाहिए फिल फॉर जो बाकी लीडरान भी है, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जनाब उमर साहब, नपा मुफ्ती जी, इमाम सागर साहब, तमाम लीडरों को छोड़ा जाए ताकि एक नई सिरे से एक पोलिटिकल प्रोसेस रियासत में शुरू की जाए और रियासत बेहतरी की ओर बढ़े। थैंक यू सर, आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे सर। सलमान सागर सर, आज फारूक अब्दुल्ला को सर छोड़ा गया तो कैसी खुशी है आपकी? ये खुशाइन कदम है सरकार ने, यह लेट किया है सरकार ने, बहुत लेट किया है, ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन चले देर आए, हम ये मजबूरी थी सरकार की, जैसे भी उनको लगा। लेकिन इस वक्त इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आज डॉक्टर साहब जैसे कदावर शख्सियत की, डॉक्टर साहब की लीडरशिप की कश्मीरियों को ज़रूरत है। तो हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हम कि डॉक्टर साहब के रिलीज़ के बाद जो अभी इस रियासत में जो बहरान चल रहा है उसमें इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और फारूक साहब की क़यादत में हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। तो आप उनसे मिलने जा रहे हो? हाँ, हम कोशिश करेंगे उनसे मिलने की।